आगामी 9 से 10 सितंबर तक भारत G20 का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, जिसका आयोजन राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। इस इवेंट के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर तैयारी कर रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौके पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कोने कोने पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। भारत के लिए गौरवशाली पल है जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम इसी सोच को लेकर इस पूरी थीम के आसपास हमने इसका आयोजन किया है। बहुत सफल आयोजन, अब तक 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंगों का होना, हजारों विदेशी डेलीगेट्स का उसमें पार्टिसिपेट करना और अब लीडर समिट के लिए पूरी तैयारी है। अगर आप पूरी दिल्ली में देखेंगे तो ऐसे 78 लोकेशंस पे 78 जगह पर UHD और 4K कैमरास लगे हैं, चाहे राजघाट हो, एयरपोर्ट हो और भारत मंडपम हो, और बर्ड आई व्यू कैमरास भी वहाँ पर लगे हैं ताकि आपको क्लीन फीड जो DD के द्वारा दी जाए उसमें हर वो पल लम्हा कैप्चर करके देश और दुनिया में दिया जा सके। दूरदर्शन ने उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की है और हजारों मीडिया के लोगों ने देश और विदेश से इसमें अपना अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए। लगभग 3000 एप्लीकेशंस इसमें अब तक आई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यही नहीं, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो शायद ही दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा हमने प्रयास किया है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में। और जगह के नाम भी, यमुना हो, गंगा हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्रा हो, महानदी हो, सभी कावेरी से लेकर अन्य नदियों के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। और वर्क स्टेशन बनाए गए हैं, वाईफाई से लेकर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहाँ पर दी गई है। फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसके लिए भी 50 सीटर से 100 सीटर, 150 सीटर और 300 सीटर वाला हिमालय, वो भी मीडिया के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम हमने वहाँ पे बनाया है। अगर आप भोजन का देखेंगे तो इतना बड़ा हॉल कि जहाँ एक साथ लगभग 2000 लोग बैठ के खाना खा सकें, वो भी सुविधा वहाँ पर दी है। तो हर वो संभव प्रयास किए हैं जो एक उभरते ऐसी महाशक्ति के रूप में नए भारत की बुलंद तस्वीर आपको इस हॉल से, भारत मंडपम से, इस 123 एकड़ के ITPO के सेंटर से आपको देखने को मिलेगी कि हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाला 18वां G20 शिखर सम्मेलन साल भर में आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। इस इवेंट के लिए तरह तरह से राजधानी की साज सज्जा की जा रही है।